हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। जी हाँ, वायरस का नाम सुनते ही एक अजीब सा शब्द दिमाग में आता है और वो कोरोना है। पिछले लगभग 4 महीने से अधिक से हम इस कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है वो वायरस से रिलेटेड ही है और यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन करेंगे, जो कि इन जनरल वायरस की स्ट्रक्चर क्या होती है और उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, ये हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पेपर है वो BSc और BSc BEd फर्स्ट ईयर में ही चलता है। तो कुल मिलाकर एक टॉपिक हम एक नए पेपर का ले रहे हैं और वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। इसमें आप स्क्रीन का साइज हम जैसे जैसे छोटा बड़ा करते हैं आप इसको ठीक से पढ़ भी पाते हैं और आप भी अपने जब वीडियो को देखेंगे तो छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग का पहला पॉइंट स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, एनवलप। मैं आपको इन जनरल एक दो बातें बताता हूँ। पहले जब आप वायरस की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो बेसिकली वायरस में स्ट्रक्चरली जो कॉमनली भाग पाए जाते हैं वो दो ही होते हैं। एक होता है उसका आउटर प्रोटीन कोट, जिसे एनवलप कहा जा रहा है यहाँ पे, और एक उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वायरस है, उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में RNA है या DNA है। तो इस प्रकार से बेसिकली दो ही भाग होते हैं, एक प्रोटीन कोट होता है उसका और दूसरा इसमें एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बाहरी पार्ट है इसका वो है एनवलप। यह है 10 से 15 NM मोटाई का होता है और वास्तव में इसकी डबल लेयर पाई जाती है, जो आप स्ट्रक्चर जब डायग्राम में देखेंगे तो इसको देख पाएंगे। एनवलप एक निश्चित दूरी पर कुछ छोटी तंतु रूपी संरचनाएं उत्पन्न करता है जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो एनवलप है ये एक्चुअली सभी वायरसेस में नहीं पाया जाता, कुछ में एब्सेंट भी होता है। बेसिकली जो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि जो प्रोटीन पार्ट है इसका वो कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड वो तो लगभग सभी वायरसों में पाए ही जाते हैं। इन कैप्सिड का जो प्रोटीन कोट है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेनस झिल्ली जैसा पार्ट पाया जाता है, जो कुछ वायरसेस में होता है और कुछ में नहीं भी होता। इसको कहा जाता है एनवलप। इस एनवलप के ऊपर एक निश्चित दूरी पर छोटी छोटी तंतुनुमा संरचनाएं जो पाई जाती हैं उन्हें स्पाइक्स कहा जाता है। और ये जो स्पाइक्स हैं इनकी लंबाई 100 एंगस्ट्रम होती है और दो स्पाइक्स के बीच की दूरी जो होती है वो 70 से 80 एंगस्ट्रम होती है। और यह जो एनवलप है यह कैप्सिड के बाहर का आवरण होता है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि कैप्सिड जो होता है, जिसे प्रोटीन कोट कहते हैं, वो उसके ऊपर कुछ वायरसेस में यह पाया जाता है और कुछ में ये नहीं भी पाया जाता। तो कुल मिलाकर आम तौर पर जो देखने में आता है कि सबसे बाहर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वायरस में पाई जाती है उसको एनवलप कहा जाता है और इस एनवलप के नीचे स्थित होता है फिर कैप्सिड। कैप्सिड जो कि प्रोटीन कोट होता है इसका, इसमें बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड ही दो भाग होते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर आपके सामने ये नज़र आ रहा है ये एक्चुअली बैक्टीरियोफेज का है। इसको आप टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं कह सकते क्योंकि बैक्टीरियोफेज में कुछ संरचनाएं जो नॉर्मल वायरसेस होते हैं उनसे अलग भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें नज़र आएंगी वो नॉर्मल वायरस में भी नज़र आती हैं। यहाँ पर भी आपको बैक्टीरियोफेज के या कॉमन वायरस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको एकदम अलग अलग करके भी इसमें आपको दर्शाया गया है। इसके बाद अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो कि इसका प्रोटीन पार्ट होता है, ये प्रोटीन का बना होता है और बेसिकली हार्मफुल नहीं होता। ऐसा जनरली ये कहा जाता है कि इसका जो आउटर भाग जो कि प्रोटीन निर्मित होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, ये हानिकारक नहीं होता। यह डबल लेयर होता है और सबसे छोटी छोटी यानी प्रोटीन उप इकाइयों से बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सिड को बनाने वाली जो यूनिट्स होती हैं उन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है और ये जो कैप्सोमियर्स है उनकी संख्या अलग अलग वायरसेस में अलग अलग पाई जाती है।
यहाँ ये जो एक कैप्सोमियर्स है वो 5 या 6 प्रोटीन की इकाइयों से बना होता है, जैसे 5 या 6 के आधार पर इसका नाम दिया गया है, पेंटामर्स या हेक्सामर्स। और अगला एक इसका जो प्रमुख भाग होता है वो है न्यूक्लिक एसिड। वायरस की संरचना का जो प्रमुख भाग होता है वो है न्यूक्लिक एसिड। वायरस में न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में या तो डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो जंतु वायरस होते हैं उनमें डीएनए और जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए पाया जाता है, लेकिन इसके अपवाद भी आप देखते हैं। अपवाद के रूप में जंतु वायरस में इन्फ्लुएंजा जिसमें आरएनए पाया जाता है, ऐसे ही प्लांट्स में अल्फा अल्फा मोजेक वायरस जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो एक्सेप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, बाकी इन जनरल ये कहा जाता है कि जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए और जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने बेसिकली इसमें न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में देखा। हमने यहाँ पर आपके सामने अभी 3 भाग इसके मुख्य रूप से डिस्कस किए हैं। इन जनरल 2 भाग पाए जाते हैं, कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड इसका प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर इसमें पाया जाता है एक न्यूक्लिक एसिड, इट में भी डीएनए और आरएनए। तो इस प्रकार से ये 2 तो मुख्य भाग होते ही हैं जो सब वायरसेस में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस में इनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हमने एनवलप कहा था, और उस एनवलप के ऊपर तंतुनुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्पाइक्स नाम दिया था। तो ये इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर वायरसेस का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद अब बात करेंगे हम इसके रिप्रोडक्शन की। यहाँ इसके रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को ही मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन नाम दिया गया है। यहाँ पर किस प्रकार से वायरसेस अपने संख्या बढ़ाते हैं वो ही प्रोसेस यहाँ पर वायरस का जनन या मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन कही जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड्स का प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन होता है, जिससे वायरस कण जीवाणुओं की कोशिका की उपापचयी सुविधा का सफलतापूर्वक उपयोग करके अपने कणों की संख्या में वृद्धि करते हैं। देखिए, वायरस जब तक होस्ट सेल में प्रवेश नहीं करेगा तब तक इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। इसीलिए ये हमने अभी भी देखा था जो कोरोना के केस में बता रहे थे कि कोरोना वायरस जब तक एनवायरनमेंट में है तब तक वो निष्क्रिय अवस्था में, समझिए, एकदम निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसे होस्ट मिलता है वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है और उसके बाद वो बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो होस्ट की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर कॉमन प्रोसेस के रूप में डिस्कस कर रहे हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस का कर रहे हैं, और बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो होस्ट के रूप में बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो कुल मिलाकर जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसके बाद वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को खुद यूज करता है और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का यूज करते हुए अपने जो नंबर हैं उनमें वृद्धि करता है, और इस प्रकार से ये अपनी संख्या में वृद्धि की जो प्रक्रिया है वही इसका मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, अर्थात इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें वृद्धि होती है। कुछ वायरसेस को छोड़कर सभी वायरसों में मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो लगभग बैक्टीरियोफेज के समान ही पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर हम एक जो टिपिकल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली बैक्टीरियोफेज से संबंधित रेप्लिकेशन की कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज है या फेज वायरसेज हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है वायरुलेंट और दूसरा है टेम्परेट, उग्र और संयत। इनमें से एक जो होता है वो रोगकारी होता है जिसको उग्र कहते हैं, और संयत टेम्परेट होता है वो अरोगकारी होता है जो प्रायः रोग नहीं फैलाता। इन दोनों में अलग अलग प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इन दोनों में जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में यहाँ पर 2 अलग अलग चक्र हैं जिनकी स्टडी हम अगली स्लाइड्स में करेंगे। तो पहले बात करते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन की। इसका जो उग्र प्रभेद होता है जिसे लयनकारी प्रभेद भी कहा जाता है, ये बैक्टीरियोफेज परपोषी जीवाणु सेल का संक्रमण कर डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर नए फेज पार्टिकल्स का निर्माण होता है
और ये जो नए फेज पार्टिकल्स बनते हैं ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और जिससे जो होस्ट सेल है उसके फट जाने से ये बाहर आ जाते हैं, और इस प्रकार का जो प्रोसेस चलता है उसे लाइटिक साइकिल कहते हैं। वापस से एक बार इसको समझिए, जो उग्र स्टेन होते हैं बैक्टीरियोफेज के, वो बेसिकली जो होस्ट सेल है, होस्ट के रूप में यहाँ पर बैक्टीरियल सेल है, उसमें इन्फेक्शन करते हैं। इन्फेक्शन करने के बाद उनके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद उनके नंबर्स में ग्रोथ होती है, उनके खूब सारे पार्टिकल्स बन जाते हैं। जब ये अपने खूब सारे पार्टिकल्स बना देते हैं तो उस होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो होस्ट सेल नष्ट हो जाती है और ये बाहर आ जाते हैं उसे तोड़ते हुए। इस प्रक्रिया को लाइटिक साइकिल कहते हैं, जो कि वायरुलेंट फेज में पाई जाती है। जो वायरुलेंट स्ट्रेन होते हैं इसके, उनमें पाई जाती है, जबकि जो दूसरे स्ट्रेन हैं इसके, जिनको हम टेम्परेट या संयत स्ट्रेन कहते हैं, इनको अनुग्र विभोजी भी कहा जाता है। ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते। जो टेम्परेट स्ट्रेन है ये होस्ट सेल को नष्ट नहीं करते, बल्कि इनका डीएनए होस्ट डीएनए के साथ जुड़ जाता है। जो होस्ट डीएनए है, जिसको यहाँ पर क्रोमोसोम लिखा हुआ है बैक्टीरिया के केस में, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, और उसके साथ लगातार लंबे समय तक बने रहते हैं। और जैसे जैसे होस्ट के डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इनका भी रेप्लिकेशन होता रहता है, और इस प्रकार से ये लंबे समय तक होस्ट सेल में होस्ट सेल में रहते हुए आगे ग्रोथ करते रहते हैं, लेकिन होस्ट सेल को नष्ट नहीं करते, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है लाइसोजेनी। तो वायरसेस में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो दो अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग प्रकार की होती है। एक जो वायरुलेंट स्ट्रेन है उसमें लाइटिक साइकिल पाया जाता है, जिसमें ये जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि जो दूसरे स्ट्रेन है, जिनको हम टेम्परेट स्ट्रेन कह रहे हैं, ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते और उसके डीएनए के साथ ही अपनी जो रेप्लिकेशन है वो करते रहते हैं, और लंबे समय तक होस्ट के अंदर ही अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार का जो रेप्लिकेशन पाया जाता है उसको लाइसोजेनी कहा जाता है। इन दोनों ही प्रोसेसेस में, चाहे वो लाइटिक साइकिल है या फिर लाइसोजेनी है, इनमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में ये प्रोसेस संपन्न होती है, लेकिन आम तौर पर जो कुछ कॉमन स्टेप्स हैं वो दोनों में आप इक्वल ही पाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे लाइटिक साइकिल की, लाइटिक साइकिल के स्टेप्स कौन कौन से हैं, और उसकी बात करेंगे लाइसोजेनी की, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो कैसे वो संपन्न होती है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप है वो है एडजॉर्प्शन स्टेज एंड अटैचमेंट, अधिशोषण अवस्था अथवा जुड़ना। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो वायरस पार्टिकल है वो होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है। सबसे पहले वायरस पार्टिकल जिस होस्ट सेल यानी बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के केस में ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसका उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली होस्ट सेल से जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर ये जो जुड़ना होता है इनका, क्योंकि हम बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी टेल की सहायता से इससे अटैच हो जाता है या जुड़ जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। पहले स्टेप में हमने देखा कि वायरस पार्टिकल होस्ट सेल से अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद ये जो वायरस पार्टिकल है उससे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको डिजॉल्व कर देता है, और उस जगह पर एक छोटा सा होल बन जाता है, छोटा सा छिद्र बन जाता है, और उस छिद्र से होकर ये जो वायरस का डीएनए या न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से दूसरे स्टेप में न्यूक्लिक एसिड जो कि वायरस का है वो एंटर कर जाता है होस्ट सेल यानी बैक्टीरियल सेल में। अब तीसरा इसका स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ होस्ट सेल टू फेज प्रोड्यूसिंग सेल। अब जब ये पहुंचता है न्यूक्लिक एसिड वायरस का बैक्टीरियल सेल में या होस्ट सेल में, तो वहाँ जाने के बाद अगेन इससे एक और एंजाइम सीक्रेट होता है, और उस एंजाइम की सहायता से ये जो होस्ट सेल का न्यूक्लिक एसिड है, होस्ट सेल का क्रोमोसोम है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ देता है। और अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े होस्ट सेल के डीएनए के हो जाते हैं, इनका यूज ये अपने न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए, और ना केवल न्यूक्लिक एसिड बल्कि प्रोटीन निर्माण के लिए भी करता है, क्योंकि इसको अपने स्ट्रेन, नए स्ट्रेन बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की जरूरत होती है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों ही चीज़ें होस्ट सेल्स का यूज करके बनाता है और इस प्रकार से फिर अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। तो तीसरे स्टेप में अब जो होस्ट सेल थी वो एक तरह से फेज प्रोड्यूसिंग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेप जो कि चौथा स्टेप है, आप इसको पढ़ पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ठीक से, आप छोटा बड़ा करके भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को। अगला स्टेप आपके सामने है फेज न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये मैंने अभी पिछले जस्ट स्टेप में आपको डिस्कस किया था कि जैसे ही फेज न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल में प्रवेश करता है वो बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और इस प्रकार से वो फिर अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सिंथेसिस करने लगता है, क्योंकि यही दो पार्ट हैं जिससे उसके नए कणों का निर्माण होगा। तो इस चरण में वायरस के या नए वायरस के निर्माण के लिए प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और खूब सारे ये बन जाते हैं। अगला स्टेप आता है फिर असेंबलिंग ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों ही पार्टिकल्स उसके पास बन चुके हैं, दोनों ही चीज़ें जो उसके निर्माण में चाहिए वो बन चुकी हैं, मीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं, इनकी असेंबलिंग होती है और असेंबलिंग से नए फेज पार्टिकल्स बहुत सारे बैक्टीरियल सेल में बन जाते हैं। जैसे ही न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का असेंबलिंग होती है, इससे खूब सारे फेज पार्टिकल्स बैक्टीरियल सेल में बन जाते हैं और फिर जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो ये रिलीज ऑफ असेंबल्ड फेज पार्टिकल्स, अगला चरण जो आप देख रहे हैं, ये जो होस्ट सेल है उसको तोड़ देते हैं, उसकी जो सेल वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको नष्ट कर देते हैं और इसके बाद फिर खुद बाहर आ जाते हैं, यानी होस्ट सेल नष्ट हो जाती है और ये फेज पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और फिर वापस से ये नई बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इस प्रकार से ये जो उग्र, जिनको वायरुलेंट हमने स्ट्रेन कहा था, उनमें किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है, ये प्रोसेस आपके सामने हमने लाइटिक साइकिल के रूप में डिस्कस की। और जो दूसरा स्ट्रेन था वो हमने बताया था टेम्परेट फेज। अच्छा, पहले इस डायग्राम में आप देखेंगे वो पूरी प्रोसेस जो अभी हमने लाइटिक साइकिल आपके साथ डिस्कस की है, एक एक पॉइंट, अगर जो 6 पॉइंट थे वो आपके सामने थे इन डायग्राम्स में, बिल्कुल क्लियरली आपके समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से बैक्टीरियोफेज यानी वायरस अटैच होता है, फिर न्यूक्लिक एसिड उसका अंदर प्रवेश करता है, फिर वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसके बाद प्रोटीन्स और डीएनए का सिंथेसिस होता है, फिर उनकी असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग होने के बाद खूब सारे वायरस पार्टिकल्स बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल में और फिर वो उसको तोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं और इस प्रकार से ये प्रोसेस संपन्न होती है। इस डायग्राम में आप इसको बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला हम लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जो हमने टेम्परेट फेज के मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त किया था, टेम्परेट फेज जो प्राय अनुग्र प्रभेद कहते हैं, जो रोगकारी नहीं होते, उनमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कहलाता है लाइसोजेनिक साइकिल और ये भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स में संपन्न होता है। और वो स्टेप्स हैं एग्जैक्टली कुछ तो आपको सेम ही मिलेंगे जो आपने पिछले चरण में किए हैं, और ये है पहला एडजॉर्प्शन स्टेज, एग्जैक्टली सेम है जो कि आपने पिछले साइकिल में की थी। यहाँ पर भी जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं वो होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वायरस पार्टिकल्स का होस्ट सेल से जुड़ना यही कहलाता है एडजॉर्प्शन। दूसरा इसमें है एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल, एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो पिछले में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर भी जो वायरस पार्टिकल होता है वो लाइसोजाइम सीक्रेट करता है, जिससे होस्ट सेल कि सेल वॉल पर एक छोटा छिद्र बन जाता है और उस छिद्र से होते हुए वायरस का डीएनए होस्ट सेल में एंटर कर जाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स, ये डिफरेंट पॉइंट है जो आप उससे अलग देख रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली रिप्रेसर प्रोटीन्स कहलाते हैं।
अर्ली प्रोटीन्स को यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन्स कहते हैं, और इन प्रोटीन्स का निर्माण इसलिए होता है ताकि बैक्टीरियल सेल का लाइसिस ना हो। रिप्रेसर प्रोटीन एक्चुअली एक स्पेसिफिक एमआरएनए के सिंथेसिस को रोक देते हैं। एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होता तो उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाता। प्रोटीन्स का मतलब यहाँ पर मैं एंजाइम्स से भी बता रहा हूँ, उन प्रोटीन से एंजाइम्स का सिंथेसिस नहीं हो पाता जो बैक्टीरियल सेल को तोड़ते हैं। और इस वजह से जब तक ये अर्ली प्रोटीन्स, जिनको रिप्रेसर प्रोटीन्स भी कहते हैं, जब तक ये यहाँ पर एक्टिवेट रहेंगे तब तक होस्ट सेल ब्रेकडाउन नहीं होगी, होस्ट सेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और लगातार इसमें जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की वो चलती रहेगी। तो यहाँ पर दूसरे ही स्टेप में ये अर्ली प्रोटीन, तीसरे स्टेप में अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस हो जाते हैं, और ये जब तक बनते रहते हैं तब तक होस्ट सेल का लाइसिस नहीं होता, अर्थात वो टूटती नहीं है। फिर अगला स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए। इसके बाद वहाँ हमने पिछले स्टेप में आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड वायरस का होता है वो होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वायरस का डीएनए होस्ट सेल यानी बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है, और इस प्रकार से वो उसके साथ लगातार अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। कैसे, जैसे ही जो बैक्टीरिया है, जब बैक्टीरिया के डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ कौन है, बैक्टीरियल डीएनए, उसका भी उसके साथ रेप्लिकेशन होगा, और वो लगातार जब तक बैक्टीरियल सेल का निर्माण होते रहेंगे तब तक उनके साथ उसका रेप्लिकेशन होता रहेगा और उसकी संख्या बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से इस स्टेप में जो मेन स्टेप है इसका, बैक्टीरियल डीएनए और होस्ट डीएनए आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जो उससे एकदम अलग है जो पिछला हमने आपके साथ डिस्कस किया था। और लास्टली अटेनमेंट ऑफ लाइसोजेनी, लयजात अवस्था की प्राप्ति। ये प्रक्रिया जो फोर्थ स्टेप की बात कर रहा हूँ, पहले फोर्थ स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक अर्ली प्रोटीन्स एक्टिवेट रहते हैं। जब तक अर्ली प्रोटीन्स एक्टिवेट रहते हैं तब तक फोर्थ वाला स्टेप था वो चलता रहता है, अर्थात जो होस्ट सेल है उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, यानी उसके डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके साथ साथ वायरस के डीएनए का भी मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। लेकिन जैसे ही अर्ली प्रोटीन्स का बनना रुकता है, किसी भी वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, आमतौर पर अल्ट्रावायलेट रेज में अगर एक्सपोज हो गई बैक्टीरियल सेल तो अर्ली प्रोटीन्स का बनना रुक जाता है। और अर्ली प्रोटीन्स का बनना जैसे ही रुकता है, जो वायरल डीएनए है वो होस्ट डीएनए से अलग हो जाता है, पहले इंटीग्रेट था अब वो उससे अलग हो जाता है, और जैसे ही वो उससे अलग होता है फिर वापस से वो प्रोसेस शुरू हो जाती है जो पिछले लाइसिस साइकिल में आपने देखी थी। अब ये वही प्रोसेस को दोहराता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, और अपनी संख्या में वृद्धि करने के बाद फिर फाइनली होस्ट सेल को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर लाइसोजेनी तब तक चलती रहती है जब तक कि अर्ली प्रोटीन्स एक्टिवेट रहते हैं। तो इस प्रकार से ये वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट, जिन्हें टेम्परेट स्टेन कहते हैं, इनमें किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, अर्थात इनकी संख्या में किस प्रकार से वृद्धि होती है, ये आपने देखा। इसको भी आप डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये पूरा की पूरा डायग्राम जो लाइसोजेनिक साइकिल का है यहाँ आपको नज़र आ रहा है। वो सारे स्टेप जो मैंने आपको बताए वो वेरी क्लियर आपको नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में। तो इस प्रकार से आपने पूरे वीडियो में दो चीज़ें बेसिकली डिस्कस की हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, या कहना चाहिए रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर में मैंने भी आपको बताया था कि दो बेसिकली पार्ट होते हैं इसके, कैप्सिड जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए हो सकता है या डीएनए, कोई एक ही होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों के ऊपर, या ये कहें कि जो कैप्सिड है उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेनस पार्ट पाया जाता है जिसे एनवलप कहा जाता है। तो इन तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। और फिर फाइनली हमने बात की थी इसके मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो उसके लिए यहाँ पर दो प्रकार के इसके स्ट्रेंस होते हैं अलग अलग, एक वायरुलेंट और एक नॉन वायरुलेंट, जिसे टेम्परेट फेज भी कहते हैं। उन दोनों में जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है वो डिफरेंट है, एक में लाइटिक साइकिल होता है, दूसरे में लाइसोजेनी होती है। किस प्रकार से होती है वो हमने आपके साथ डायग्राम के साथ डिस्कस की है, आपको ये समझ आई होगी। आप इसको एक बार वापस से देखें, डायग्राम को समझें, आपको निश्चित रूप से पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।